नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, महंत परमहंस आचार्य ने जल समाधि नहीं ली, वो भाग खड़े हुए। जी हां, भाग खड़े हुए का मतलब यही है कि उन्होंने कोई ऐसी जल समाधि नहीं ली, और जो उन्होंने कहा था कि हम 2 अक्टूबर के दिन 12 बजे जल समाधि ले लेंगे अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशासन वहाँ पर पहुँचा और उन्हें जाहिर सी बात है रोका गया, इसमें कोई शक नहीं। मगर आपको बता दें कि अगर कोई आदमी इच्छा कर ले कि हमें जल समाधि लेनी है या हमें अपने प्राणों की आहुति देनी है देश के लिए या धर्म के लिए, तो वो किसी भी मौके पर और किसी भी तरह से दे सकता है। मगर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नौटंकी, इतना बड़ा ड्रामा रचा क्यों गया। जी हाँ, इसकी 2 वजहें हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो ड्रामे की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। पिछले 2-4 दिनों से आप लगातार खबरों में ये देख रहे होंगे साथियों कि महंत परमहंस आचार्य ने चेतावनी दे दी है सरकार को कि वो जल समाधि ले लेंगे अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। वो जब अपने प्राण की आहुति दे देंगे वो देश के लिए और धर्म के लिए। मगर उसी समय से लोग ये कह रहे थे, देश के ऐसे लाखों करोड़ों लोग ये कह रहे थे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है साथियों। और वो सच साबित हुआ। जी हाँ, उन्होंने कोई जल समाधि नहीं ली। वो लोगों बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये ड्रामा सिर्फ दिखा रहा है अपने आप को आगे लाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग न देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, न धर्म के अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं साथियों। और ये बात सच साबित हुई, क्योंकि अगर आप देखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई आदमी अपने प्राणों की आहुति देना चाहे, अपनी कुर्बानी देना चाहे, तो वो कभी भी और किसी भी समय दे सकता, वो इतना हंगामा नहीं करेगा साथियों। और हंगामा किया भी तो इतना बढ़ा चढ़ा कर हंगामा किया गया, मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि प्रशासन को वहाँ पर बुलाया गया, बहुत सारे उनके जो है सो चाहने वाले भक्त भी बाहर सामने आ गए। सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा इसीलिए रचा गया था ताकि भीड़ इकट्ठा कर दी जाए और उनको जो है सो रोक दिया जाए। जाहिर सी बात है, प्रशासन का ये काम है कि कोई भी आदमी इस तरह का कदम उठाता है तो उसे ऐसे कदम उठाने से रोकती है साथियों। अब इन्होंने देखिए बहाना क्या बनाया, बाद में क्या कहा कि प्रशासन हमें निकलने नहीं दे रहा है, प्रशासन हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ी। और बाद में आगे एक चीज़ और उन्होंने कही जो हमने टीवी पर देखा कि जैसे ही प्रशासन यहाँ पर हटेगा, यहाँ से हटेगा, क्योंकि हर वक्त प्रशासन हमारे साथ नहीं होगा, जैसे ही प्रशासन यहाँ से हटेगा हम जल समाधि ले लेंगे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। साथियों, ये भी एक बड़ी बात है कि आप सोचिए कि इन्होंने जो डिमांड रखी थी वो कैसी डिमांड रखी थी कि देश का कोई भी बड़ा अधिकारी कहें या कोई भी बड़ा सिस्टम कहें या कोई भी बड़ा नेता इनसे बात तक नहीं करने गया साथियों। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी औकात क्या है। जाहिर सी बात है कि इन्हें न जान देनी थी, न जल समाधि लेनी थी, सिर्फ और सिर्फ इन्हें हंगामा और ड्रामा और नौटंकी करना था, बस सिर्फ और सिर्फ नौटंकी भरी यह साबित हुआ है। अब हम बता दें आपको कि आखिर इस नौटंकी की, इस ड्रामेबाजी की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जी हाँ, दो कारण इसके हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जब तक धर्म को सामने नहीं लाएगी वो चुनाव नहीं लड़ सकती। भारतीय जनता पार्टी बिना धर्म को, हिंदू मुसलमान को, हिंदुस्तान पाकिस्तान को सामने लाए हुए चुनाव नहीं लड़ सकती। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो जनता के पास जाकर वोट मांगे। इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ ने परमहंस को सामने किया कि तुम इस तरह का हंगामा करो, लोगों के जज्बात उमड़ेंगे हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और उन्हें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकती है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी को वो बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण साथियों ये भी हो सकता है कि ये जो परमहंस हैं इनका इतिहास पहले भी रहा है, ये इस तरह की धमकी पहले भी दे चुके हैं। आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए कि पहले भी ये अनशन वगैरह कुछ कर चुके हैं अपने आप को जो है सो आगे लाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए। हो सकता है कि इन्हें भी चुनाव लड़ना हो। वैसे कई ऐसे जो है सो योगी वगैरह चुनाव लड़ चुके हैं, सत्ता भोग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी उनमें से एक हैं, तो हो सकता है कि वो इस तरह का हंगामा करके अपने आपको समझ लीजिए कि अपनी पब्लिसिटी कर रहे हों ताकि इन्हें भी टिकट मिले और इन्हें भी जीत हासिल हो और उसके बाद ये भी सत्ता भोगे। तो पब्लिसिटी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार, ये दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये जो परमहंस हैं इन्होंने नौटंकी की। मगर उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है, ये जनता ने देखा उनकी नौटंकी को टेलीविज़न पर, और ये भी देख लिया कि किस तरह से ये दुम दबाकर भाग गए। जब धर्म के नाम पर आप जान देने जा रहे हैं तो फिर आप दीजिए, लेकिन आपने बहाना बना दिया, हंगामा कर दिया, और उसके बाद जब समय आया उसके बाद दुम दबा के निकल लिए।
वैसे साथियों आपको एक बात और बता दें कि ये जो परमहंस हैं इन्होंने इस तरह की नौटंकी करके सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही उठाई है। लोग इन्हें गालियां ही दे रहे हैं, भगौड़ा कर रहे हैं, डरपोक कर रहे हैं और ये मानना है कि इनकी औकात ही नहीं है कि ये धर्म और या फिर देश के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दें या उनके लिए अपने जान की बलि दे दें। अब हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने जो डिमांड की थी वो क्या थी। थोड़ा सा विस्तार से जो खबरें छप रही थी, जो मीडिया में जो चर्चाएँ हो रही थी वो हम आपको बता देते हैं कि 1 अक्टूबर को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित न करने पर 2 अक्टूबर को जल समाधि लूंगा, अयोध्या के महंत परमहंस दास की चेतावनी। 2 अक्टूबर भी गया और दिन के 12 बजे भी गए, महंत परमहंस दास कहां गए, सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं। 1 अक्टूबर को देश भर में एक बड़े धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, लेकिन तब तक केंद्र सरकार ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया, तो मैं सरयू नदी में 2 अक्टूबर को समाधि लूंगा, ऐसी चेतावनी महंत परमहंस दास ने दी है। अयोध्या में हुई सनातन धर्म के परिषद में उन्होंने यह चेतावनी दी थी। जी हाँ, मतलब आप यह समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरपाया गया था, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह सब बनाया गया था। अगर ऐसा नहीं हो करना का इनका इंटेंशन नहीं होता, ईमानदार होते तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ कर लेते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि समाधि लेना या जान देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम भी नहीं चाहते कि इस देश का कोई भी नागरिक जान दे अब किसी भी कारण से, लेकिन फिर भी अगर ये ईमानदार होते, अगर ये देश के लिए या धर्म के लिए जान देना चाहते तो किसी भी तरह से दे सकते थे। सरयू नदी का पानी भी इनके कमरे में रखा हुआ था, चुल्लू भर पानी लेते और नाक उसमें लगा के इस तरह से प्राणों की आहूति दे देते, मगर इन्हें ऐसा कुछ करना नहीं था। देखिए, महंत परमहंस दास ने कहा कि जिस प्रकार कश्मीर में धर्म के आधार पर घोषणा की जाती है से देखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसे टालने के लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना आवश्यक है। अब आप देखिए कि कोई भी योगी इस तरह की नफरत की बातें कर सकता है क्या। कुछ माह पूर्व महंत परमहंस दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो आत्मदाह कर लूंगा, ऐसी चेतावनी दी थी। इसके बाद उन्होंने प्रत्यक्ष में आत्मदाह की तैयारी की थी, लेकिन ऐन समय पर पुलिस ने घटनास्थल पर आकर इसे रोक दिया था। तो आप देख लीजिए साथियों, अभी जल समाधि के लिए नौटंकी की, इससे पहले ये आत्मदाह की भी नौटंकी कर चुके हैं और इसी तरह से हंगामा किया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनका इतिहास रहा इस तरह की नौटंकी करने का, इस तरह का ड्रामा करने का। उस समय भी पुलिस आई और इन्हें उठाकर ले गई, आत्मदाह नहीं करने दिया गया। इस बार भी वही हुआ, पुलिस और प्रशासन आया और इन्हें इनके कमरे में ही बंद रखा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इन्हें जान देनी होती तो ये सरयू नदी का पानी इनके कमरे में था, ये चुल्लू भर लेते, नाक डुबा के अपनी जान दे देते, मगर इन्हें ऐसा कुछ करना नहीं था साथियों। कुल मिलाकर साथियों, ये जो महंत परमहंस दास हैं ये बिल्कुल एक नौटंकी साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं, मक्कार साबित हुए हैं। देश और दुनिया को धर्म के नाम पर समझिए गुमराह करने वाला ये शख्स सामने साबित हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इतिहास में झांकिए, ये पहले भी इस तरह की धमकियाँ दे चुका है। वैसे आपको बता दूँ कि योगी अगर कोई होगा, कोई इस तरह का महंत होगा, तो इतनी नफरत की बातें नहीं करेगा जिस तरह से इसने किया है कि मुसलमान होंगे उनका अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं का उठा के बलात्कार करेंगे। बंगाल का ये हवाला दे रहे थे अपने बयान में कि बंगाल में किस तरह से हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी देख लो कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। योगी राज में जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, उस राज में सबसे ज़्यादा बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, ये भी देख लो महंत जी। मगर तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ नौटंकी करनी है और अपने आप की पब्लिसिटी करनी है, अपना प्रचार करना है। आवाज़